जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी इमली कैंडी। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे। अब हम इसमें एक कप इमली डालेंगे, 1/4 कप खजूर डालेंगे, 1/4 कप गुड़ डालेंगे। अब हम इसमें एक कप गर्म पानी डाल देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और हाफ आवर तक उसे सोक होने देंगे। अभी हाफ आवर हो गए हैं तो हम उसे खोल लेंगे। ये अच्छे से सोक हो गई है तो अब हम उसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे पीस के इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। अभी इसकी स्मूथ पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार रॉक सॉल्ट डालेंगे। अब हम इसे गैस के ऊपर रख देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। अब ये गाढ़ा हो गया है और ये अभी पेन भी छोड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारे इमली का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इमली कैंडी असेंबल करेंगे। इमली कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आइसक्रीम की स्पून ली है। आप इसकी जगह पर आइसक्रीम की कोई भी स्टिक भी ले सकते हैं। अब हम स्पून में इमली का मिक्सचर लेके एक प्लास्टिक कवर में इसे रैप कर देंगे। अभी हमारी खट्टी मीठी इमली कैंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हम सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी हमारी सारी इमली कैंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।